हेलो दोस्तों, आज हम आपको टॉलीवुड और बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर के राघवेंद्र राव सर के बॉलीवुड डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे कि राघवेंद्र राव ने 1980 में आई मूवी निशाना से अपने बॉलीवुड डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, पूनम ढिल्लों, असरानी और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,81,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,54,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1982 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई फर्ज और कानून। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, रति अग्निहोत्री, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,95,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1983 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई हिम्मत वाला। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, अमजद खान, कादर खान, असरानी और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की मूवी आई जानी दोस्त। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, श्रीदेवी, परवीन बॉबी, कादर खान, अमजद खान और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,75,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की पांचवी मूवी आई जस्टिन चौधरी। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1984 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई तोहफा। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जया प्रदा, श्रीदेवी, कादर खान और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की मूवी आई कामयाब। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, सवाना आजमी, राधा, अमजद खान और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 रहा। भारत में कमाई 65,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,05,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की आठवीं मूवी आई नया कदम। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, जया प्रदा, पद्मनी कोल्हापुरी, श्रीदेवी, कादर खान और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1985 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई होशियार। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जय प्रदा और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,15,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की मूवी आई मास्टर जी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, श्रीदेवी, अनिता राज, कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,70,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की 11वीं मूवी आई मेरा साथी। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जया प्रदा, मंदाकिनी और राजीव कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 रहा। भारत में कमाई 85,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,45,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1986 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, जितेंद्र, श्रीदेवी, रोहिणी, प्राण और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,12,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल के राघवेंद्र राव की एक और मूवी आई सुहागन। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, पद्मनी कोल्हापुरी, राज बब्बर, कादर खान और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट
1,35,00,000 रहा, भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,85,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1997 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई मेरे सपनों की रानी। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय कपूर, उर्मिला और मधु शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा, भारत में कमाई 2,92,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2001 में के राघवेंद्र राव की मूवी आई अमंदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, जूही चावला, तब्बू, जॉनी लीवर और विजय आनंद शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 रहा, भारत में कमाई 6,12,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,88,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। और यही बॉलीवुड के लिए डायरेक्ट की हुई के राघवेंद्र राव सर की आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों आज हमने आपको बॉलीवुड और टॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर के राघवेंद्र राव सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों आपको के राघवेंद्र राव सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों थैंक यू।